हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल गुरु चैनल। मैं विकी गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकी गुप्ता, स्वागत करता हूं रेडिकल गुरु के इस चैनल में। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप पर टेक्स्ट एडिटिंग करना। जी हाँ, टेक्स्ट एडिटिंग जो कि फोटोशॉप का एक मेन पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम फोटोशॉप में टेक्स्ट एडिटिंग करके अपने पिक्चर को न्यू लुक दे सकते हैं। देखिए, फोटोशॉप ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत होगी एक फ़ोटो की, तो एक फ़ोटो ले लेते हैं। डबल क्लिक कर लेंगे इस पर, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं एक फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो कैसी भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चलो एक फ़ोटो मेरे को दिख गई है, बहुत हैंडसम से लड़के की, तो एक फ़ोटो ले लेते हैं। कहाँ कहाँ गई, ऊपर, ये रहा तुम्हारा भाई। क्लिक ओके, ओपन, ठीक है, ये आ गई। हंसो मत यार, फ़ोटो तो तुम्हारा भाई है, हैंडसम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब इसमें से जो जो चाहिए ना, जो हमें फ़ोटो चाहिए, हम केवल वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल, डब्लू दबा के, ठीक है, प्लस करके हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे जितना भी एरिया हमें चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्लिक दबाते रहिएगा रैंडमली, ठीक है। ऑटो सिलेक्शन मोड है, ये अपने आप लेता है, जो एरिया नहीं चाहिए उसे ऑल दबा के हम माइनस कर देंगे इस तरीके से आराम से। ये देखो, उसके लिए हम ऑल दबाएंगे। देखो मैं अभी ऑल दबा के इस एरिया को माइनस कर रहा हूँ, जैसे ये एरिया मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं ऑल दबा के माइनस करूँगा, राइट, ठीक है। ब्रश का साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। पी के बगल में एक बटन होता है ब्रैकेट्स का, तो उससे हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। देखिए यहाँ से आराम से क्लिक भी कर देंगे, आराम आराम से हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी, ऐसे ही, ठीक है। इसी एरिया को थोड़ा सा छोटा कर देंगे ब्रश को, ऑल दबा के माइनस, ठीक है। देखो ये पूरा आ गया, अरे शिफ्ट दबा के इसको भी ना, क्योंकि प्लस तो ले रखा है तो इसलिए बार बार ऑल शिफ्ट स्विच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल दबा के माइनस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से अब करेंगे रिफाइन एज, देखो ये रिफाइन एज दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, स्मूथ कर देना है इसको थोड़ा, सिलेक्शन को ये वाला, इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। देखो कटिंग स्मूथ हो रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ओके करेंगे, ये देखो, ठीक है। अच्छा फिर इसमें लगाएंगे मास्क, क्लिपिंग मास्क लगाएंगे, ये एरिया रह गया, इसको भी हम थोड़ा सा कर देते हैं, मास्क लगाते हैं, ठीक है। ये देखो मास्क लगाते ही आपका इस तरीके से हो जाएगा, बैकग्राउंड कट हो जाएगा, और अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला मास्क मैंने लगाया था, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। न्यू लेयर लेंगे हम, एक नई लेयर ले लेंगे, ठीक है, लेयर आ गई ऊपर, इस लेयर को नीचे ले आएंगे, ठीक है। नीचे लाने के बाद कलर वाइट कर देंगे इस तरीके से, और अब जो है इस लेयर की कॉपी ले लेंगे कंट्रोल जे दबाकर, जी हाँ कंट्रोल जे दबा के कॉपी हो जाती है। अब फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाना है, ब्लर में ये रहा ब्लर, ब्लर में गुशन ब्लर पे क्लिक करेंगे, जी गुशन ब्लर पे क्लिक करते हुए क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, साइज़ हम रखेंगे दो बहुत है ब्लर, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोल एस सेव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पीएनजी में ही रहने देना, और किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, जैसे मैं डिस्प्लेस दे रहा हूँ उसके नाम को, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है, और इसको डी ड्राइव में है, ओके कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब जो आपने सेव कर दिए हैं, तो अब इस लेयर को डिलीट कर देंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी ये लेयर है, ठीक है।
इसको भी हम सेव एज कर देते हैं, सेव नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइल रीराइट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ डिस्प्लेस टू और सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव हो जाएगी। ओके ओके, अब इस लेयर का जो है मेरे को काम नहीं है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आंखों पर, इसकी आंखों पे क्लिक कर देंगे, आंखें बंद हो जाएंगी। ये जो लेयर वन है, अब इसमें काम है हमारा, तो इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे, ऑल्ट बैकस्पेस राइट। ठीक है, टेक्स्ट टूल ले लेंगे। अब टेक्स्ट टूल से आपको यहाँ पर टाइप में देखो, यहाँ पर कोई ऑप्शन, अच्छा पहले आपको सिलेक्शन करना है, इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे, अब जाएंगे टाइप में। ठीक है, टाइप में देखो यहाँ लिखा हुआ है पेस्ट लॉरिम इम्पस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। देखो अभी पेस्ट हो गया लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि कलर ब्लैक है, तो ब्लैक को वाइट कर लेंगे यहाँ से और क्लिक ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट लिखने लग गया, टेक्स्ट की सेटिंग को ऑन कर लेंगे, टॉगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे, इस तरीके से जी ऐसे। अरे लाला, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे साइज वाइज थोड़ा सा, ताकि गैप में प्रॉब्लम प्रॉपर हो जाए, गैप में प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से। ये वाला साइज सेट द लीडिंग को सेट करेंगे इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, कुछ और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। देखो वैसे ही कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको ऑडियो भी सुनाई देगी और वैसे भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये और किसी चैनल पे नहीं आएगा। देखो ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल जे करके, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कंट्रोल टी करके इधर उल्टा करके इधर सेट कर देता हूँ। ठीक है, फोटोशॉप के और चैनल जितने भी सर्च करेंगे ना, किसी में भी ढंग की ऑडियो नहीं है। ठीक है, और है भी तो साउंड डाल रखा है। ठीक है, तो आप देखते जाइए, ये इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया, फिर से थोड़ा सा बड़ा छोटा जैसा भी कर लेंगे। ठीक है, ये सेट हो गया। कंट्रोल के साथ जे करेंगे, कंट्रोल जे, ताकि लेयर की कॉपी हो जाए, ये देखो ऐसे। ठीक है, तरह से यहाँ पे भी एक छोटा सा रेक्टेंगल, और फिर से इसमें हम टाइप में पेस्ट लोरियम एम्पस पेस्ट कर देते हैं, क्लिक करेंगे, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखें कितनी लेयर्स बन चुकी हैं हमारे पास, तो मूव टूल ले लेते हैं और देखते हैं, एक दो कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी लेयर हमारे पास आ गई है, 5 लेयर। कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे ताकि ये सब ग्रुप हो जाए। ग्रुप करने के बाद अब देखो एक साथ मूव हो रहा है, अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी दबाकर इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा और सही से लगा देंगे। अब कंट्रोल जे दबाएगा तुम्हारा भाई फिर से करने के लिए, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंट्रोल जे करके ही आपको इसको एडजस्ट कराना है ताकि ये टेक्स्ट पूरा ठीक ठाक फिट हो जाए। कंट्रोल जे, ऐसे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा पैराग्राफ इस तरीके से पैराग्राफ रूप में ये सेट हो रखा है। आप क्या करेंगे, अब इन तीनों ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स चार बने हुए हैं, इन ग्रुप्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखो है ना, इनको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के। कंट्रोल दबाता हूँ, ये इस तरीके से सेलेक्ट हो, कंट्रोल ई दबाएंगे मर्ज करने के लिए। मर्ज हो गया है हमारे पास, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, मर्ज, हाँ मर्ज कर लेंगे। ये क्या आ गया, अरे नहीं नहीं नहीं, कट नहीं करनी है, नो कर दो इसको, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मर्ज हो गया। इसके बाद इस पर लेयर पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। हाँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक, ओके। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जैसे ही हो जाएगा तो ये इस तरह का निशान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह
आपको। अब क्या करते हैं, नहीं मज़ा नहीं आया, एक काम करते हैं इसको इस ऑल दबा के ये जो ये वाला ब्लैक वाला है इसको नीचे उठा लेंगे। को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस वाली लेयर को भी मैं उठा रहा हूँ, ये देखो ये ऑल दबा के मैं कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, है ना। स्टेप्स को जितना सिंपल हो सके ऑल दबा के क्लिक करेंगे, देखो ये आपका जो फोटो था वो टेक्स्ट के अंदर फिट हो गया है, ठीक है। तो ये इफेक्ट आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से मैं आपको और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट सिखाता रहूँगा, ठीक है। ये देखो ये है ना, जैसा भी आपको सेट करना है, जैसा भी ठीक लगे आप लोग वैसा सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।